नमस्ते अमिताभ साहब, ये बात मैं समझना चाहता हूँ कि इज इट अभी पाकिस्तान में लोग खासतौर से हुक्मरान अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे, या उनको ये लग रहा है कि तालिबान आ गया है, ये गड़बड़ फैलती रहेगी और मेरा इम्पोर्टेंस बना रहेगा? देखिए, पाकिस्तान की विदेश नीति क्या है, जिसको हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, फॉरेन पॉलिसी नहीं है वो, पाकिस्तान की न्यूसेंस पॉलिसी है और वो न्यूसेंस पॉलिसी को वर्ल्ड में प्रमोट करता है। अब उसके दो मुहेपन का क्या हिसाब है? ओसामा बिन लादेन को उन्होंने होस्ट किया, ओसामा बिन लादेन जब पकड़ा गया, मारा गया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे पता नहीं था, अमेरिका से एड लेते रहे, अमेरिका से ट्रांजिट राइट्स जो अमेरिका को दिया उसके पैसे लेते रहे, और ये दोमुहापन पाकिस्तान का एक फॉरेन पॉलिसी का मैनिफेस्टेशन है। और रही तालिबान की बात, तालिबान में खुद बहुत विरोधाभास है, मुल्ला बरादर कहाँ है, किसी को दिख रहा है आजकल? पहले तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन जो तालिबान को रिप्रेजेंट करते थे वो मुल्ला बरादर ही थे। मुल्ला बरादर को पकड़ के अंदर कर दिया गया और उनसे जबरदस्ती स्टेटमेंट दिलवाए जा रहे हैं। सर, एक इंपॉर्टेंट बात, जरा शाहीन जी के पास मैं जाना चाहता हूं। शाहीन जी हमारे साथ अफगानिस्तान से आई हुई मेहमान है। शाहीन जी, जरा ये बात हमको समझाइए कि जो पाकिस्तान दावा करता है कि हम तो बड़े हितचिंतक हैं अफगानिस्तान के, हमारी तो सीमा मिलती है, हमारा तो पड़ोसी है, एक्चुअली पाकिस्तान का कंडक्ट क्या है? ये सुनिएगा, हमीद जी आपके लिए भी है ये। अगर पाकिस्तान का कोई मकसद ना हो और ना होती तो हमारे साथ हेल्प नहीं करते। और पहले दिन जैसे उन्होंने इनको कामयाब बना दिया और पाकिस्तान के रास्ते से इन्होंने आया, एक पॉलिटिक्स, एक प्लानिंग के हिसाब से उनके आने के बाद फैज़ अमीद को उनको उन्होंने भेज दिया रास्ता दिखाने के लिए। उसके बाद महमूद कुरैशी को, अब ये जो इन लोगों का प्लानिंग क्या है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पता चल जाते हैं। अब तो पता चल गया। अजीम जी आप सुन रहे होंगे मुझे लगता है, और यहाँ पर एक हमारे साथ वो अफगानी नौजवान जो लगातार मुझे वहाँ की आर्मी फटीग में दिखता है, क्या वजह है? अब अभी भी आप इस यूनिफॉर्म को उतारने के लिए तैयार क्यों नहीं? आपको लगता है वापस वो दिन आएंगे? हम ये दिन के उम्मीद है कि दोबारा ये फोरम के अफगानिस्तान के हुकूमत करना है, वो पाकिस्तान का आरजू है, वो आरजू पूरा नहीं होगा, ये हमारा यकीन है। पाकिस्तान का आरजू पूरा नहीं होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।